नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं अमृत तिवारी। निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए आम बजट पेश कर दिया है और चलिए हम बिना जल्दी समय गंवाए जो है आपको हम बताते हैं कि इस बजट में पांच खास बातें क्या क्या हैं। स्वस्थ भारत। इस बार के बजट में जैसा कि पहले से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि चूंकि कोरोना महामारी का काल चल रहा है, ऐसे में सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट का एक बड़ा हिस्सा देने जा रही है। इकोनॉमिक सर्वे में भी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र का बजट बढ़ाए जाने की सिफारिश की गई थी। अब स्वास्थ्य बजट में 135% का इजाफा हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट स्पीच में कहा कि स्वस्थ भारत हमारा मंत्र है। सीतारमण ने इस बजट का पहला पिलर हेल्थ सेक्टर को बताते हुए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत सरकार अगले 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करेगी। सरकार हेल्थ सेक्टर में 3 क्षेत्रों पर खास ध्यान देगी, जिसमें बचाव, इलाज और रिसर्च पर सरकार का जोर रहेगा। इसके लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल भी बनाया जाएगा। बजट में ये भी घोषणा की गई है कि 75,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। सभी जिलों में जांच केंद्र, 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खोलेंगे। 17 नए इमरजेंसी सेंटर भी खोले जाएंगे। देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनाने की भी घोषणा की गई है। कोरोना जैसी महामारी को ध्यान में रखते हुए 4 इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भी बनाए जाने का अहम कदम उठाया गया है। साथ ही कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर और भी पैसे दिए जाएंगे। इसके साथ ही मिशन पोषण 2.0 की भी शुरुआत की जाएगी। मिशन पोषण योजना परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन चलाया जाता है। मिशन पोषण की शुरुआत 2018 में हुई थी और इसका उद्देश्य साल 2022 तक देश को कुपोषण से मुक्त करना है। 75 साल से ऊपर वालों को ITR में छूट। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बजट में बुजुर्गों पर खास ध्यान दिया है और इस बार के बजट में जो बुजुर्ग 75 साल की उम्र से ज़्यादा के हैं और जिनकी आय जो है वो सिर्फ पेंशन और उनके पेंशन से मिलने वाले जो इंटरेस्ट है उस पर निर्भर है, उन्हें टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। हालांकि इसमें कुछ पेंच भी हैं। समझिए, जिस बैंक में पेंशन जमा होती है उसी बैंक में FD, RD या किसी और डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज पर ही रिटर्न भरने की छूट मिलेगी। लेकिन अगर पेंशन वाले अकाउंट से अलग किसी दूसरे बैंक में डिपॉजिट किया गया है तो रिटर्न भरना होगा। लेकिन इसके साथ ही इनकम टैक्स के सेक्शन 80C, 80U के तहत निवेश PF, जीवन बीमा, ELSS, यूलिप की जानकारी अपने बैंक को देनी होगी। जैसे नौकरी के दौरान आप अपनी कंपनी को देते हैं, बैंक छूट को माइनस कर आपके टैक्सेबल इनकम से TDS काटेगा। चुनावी राज्यों के लिए बड़ी सौगात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उन पर भी खास तवज्जो जो है दी है और इसमें पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और असम में कई सारी परियोजनाओं के लिए पैसे ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश की गई है। बंगाल में कोलकाता को सिलीगुड़ी से जोड़ने वाला 675 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया जाएगा, जिसकी लागत 95,000 करोड़ रुपए होगी। केरल में 65,000 करोड़ रुपए की लागत से 1100 किलोमीटर लंबा राजमार्ग बनेगा। असम में अगले 3 साल में हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान किया गया है। तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर की लंबाई में हाईवे का निर्माण किया जाएगा। तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट और इकोनॉमिक कॉरिडोर 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का होगा। इसके अलावा मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी ऐलान किया गया है। रेलवे और मेट्रो को लेकर घोषणाएं। इस बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे और मेट्रो के विस्तार के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं। निर्मला सीतारमण ने बताया कि अभी 702 किलोमीटर ट्रैक पर मेट्रो चल रही है। 27 शहरों में 1016 किलोमीटर मेट्रो पर काम चल रहा है। इसके साथ ही कम लागत से Tier 2 शहरों में मेट्रो लाइट्स और मेट्रो नियो शुरू होंगी। कोची मेट्रो में 1900 करोड़ की लागत से 11 किलोमीटर हिस्सा बनाया जाएगा। चेन्नई में 63,000 करोड़ रुपए की लागत से 180 किलोमीटर लंबा मेट्रो रूट बनेगा। बेंगलुरु में भी 14,788 करोड़ रुपए से 58 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइन बनेगी।
नागपुर में 5,976 करोड़ और नासिक में 2,092 करोड़ से मेट्रो बनेगी। रेलवे को इस बार 1,10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जो पिछली बार से करीब 38,000 करोड़ ज्यादा है। पिछले बजट में सरकार ने रेलवे को 72,21,000 करोड़ रुपए दिए थे। वित्त मंत्री ने बताया कि रेलवे ने नेशनल रेल प्लान 2030 बनाया है ताकि फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाया जा सके और माल ढुलाई की लागत कम की जा सके। जून 2022 तक ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी तैयार हो जाएगा। इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ी FDI। फाइनेंस मिनिस्टर ने इंश्योरेंस के क्षेत्र में भी बड़ी घोषणाएं की हैं। बीमा सेक्टर में FDI को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है। माना जा रहा है कि इस कदम से बीमा क्षेत्र में भी भारी निवेश आएगा। देश में अभी स्वास्थ्य बीमा का दायरा 3-4% आबादी तक ही है, लेकिन कोरोना महामारी के बाद लोगों का रुख जीवन बीमा और हेल्थ बीमा की तरफ बढ़ा है। इसके साथ साथ जल्दी ही LIC का IPO लाने का भी बजट में ऐलान किया गया है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।